हेलो एंड वेलकम टू एक्सपर्टीज एजुकेशन कंसल्टेंसी। दोस्तों आज हमारे साथ हैं याशिता के पेरेंट्स। याशिता के पेरेंट्स बेसिकली दिल्ली के ही हैं, राइट? और हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और आज इनकी डॉटर हैं याशिता, वो उफा जा रही है बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो मैम से हम उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, पहले सर से भी इंट्रोडक्शन लेंगे और उनके प्रोफेशन क्या है वो भी देखेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि उन्होंने अपनी डॉटर का बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों कराया है और बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कंसल्टेंसीज एडमिशन कराती हैं, तो उन्होंने एक्सपर्टीज एजुकेशन कंसल्टेंसी यानी हमारी कंसल्टेंसी को क्यों चूज़ किया वो देखेंगे। तो मैडम प्लीज़ आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए। जी हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रचना, रचना गिडाम। माय डॉटर याशिता, शी इज़ गोइंग फॉर हर MBBS इन बशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड माय प्रोफेशन इज़ आई एम प्रोफेसर इन जामिया मिलिया इस्लामिया, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स आई एम बीन वर्किंग देयर। एंड व्हाई वी हैव चोजन एक्सपर्टाइज इज़ उसके ऊपर ज़्यादा मेरे हस्बैंड शेयर कर पाएंगे, देन आई एल ऐड ऑन। तो इन्होंने कैसे सर्चिंग शुरू की थी, कैसे हमें एक्सपर्टाइज के बारे में पता चला, कैसे बशकीर के बारे में पता चला, क्योंकि उसके अलावा हमने और भी यूनिवर्सिटीज़ और भी कंसल्टेंसी सर्च किए थे, बट वाई वी चूज़ एक्सपर्टाइज सर बताएंगे। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर किशोर गेडाम है। बेसिकली मैंने PhD किया है IIT दिल्ली से और MTech किया है IIT खड़गपुर से फूड में, और मैं था अफ्रीकन कंट्रीज़ में जॉब कर रहा था, मैंने वहाँ से रिजाइन किया और ख़ुद का अभी मैनुफैक्चरिंग यूनिट है स्पाइसेस का, मसालों का, और वह इंस्टेंट ग्रेवी मिक्स का मेरा दूसरा यूनिट है। तो बेसिकली हमने एक्सपर्टाइज मतलब बेटी को उतना स्कोर नहीं आया दो बार ट्राई करने के बाद, और उसको BMS और डेंटल ये मिल रहा था, तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं वो ना करा के MBBS कराऊँ। तो मैंने काफ़ी, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, और मैंने फिर काफ़ी मतलब गूगल पे सर्च किया, तो और एक दो चार लोगों से मैं मिला भी उनके ऑफिस में जाके, और फिर मैंने एक्सपर्टाइज अहमदाबाद से कॉन्टेक्ट किया, वो जो मुझे नंबर मिला था, फिर उन्होंने मुझे दिल्ली का नंबर दिया, तो मैं फिर इनसे कांटेक्ट में आया और शबीर सर के, और फिर इन्होंने जो गाइडेंस किया और जो बातें बताई अभी तक की जब मैं बोल रहा हूँ वो सब मतलब सही है और हमें अच्छा लगा, और हर चीज़ जो उन्होंने लिख के दिया और जो बोल रहे हैं वो चीज़ हो रही है, मतलब कैसे वी आर सेटिस्फाइड, जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक सेटिस्फाइड हूँ, और उसके बाद में देखेंगे। अभी आज मेरी बेटी मतलब आज उसका फ्लाइट है 10th को, मतलब अभी तो 9th है टुडे इवनिंग को, तो शायद जा रही, उसके बाद में जो आगे का वो बता सकेगी, और हम आपके साथ में और दोबारा आके हम आपको शेयर करेंगे एक्सपर्टाइज के माध्यम से। तो मुझे ये लगता है कि आप, और मैंने मेरे दोस्तों को भी जिनके बच्चे अभी 12th में है, कोई 11th में है, तो मैंने ये कहा कि अगर नीट में अगर नहीं आता है स्कोर तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं एक्सपर्टाइज तक लाने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं लाऊँगा भी। तो पहले तो अभी का यहाँ तक तो मेरा एक्सपीरियंस सही है और अच्छा है, बिलीवेबल है, मैं इन पे बिलीव कर सकता हूँ, और आगे अभी बेटी जाएंगी वो हमें वहाँ से जाके शेयर करेगी, उसके बाद में हम सेकंड इंटरव्यू अगर ये लोग हमारा लेंगे एक्सपर्टाइज वाले तो हम ज़रूर देंगे। थैंक यू। मैम कुछ कहना चाहेंगे? जो हम लोग का इंटरेक्शन अब तक रहा है दिल्ली ब्रांच के ऑफिस में और शबीर सर से और बाकी लोग से, हमीद सर से भी मेरी फ़ोन पर बात हुई है, जितना हम लोग का एक्सपीरियंस और अनुभव है वो बहुत सैटिस्फाइंग था। ट्रस्ट एक बिल्ड होने में टाइम लगता है, लेकिन वो हमारा इंटरेक्शन के साथ, बात के साथ, हमारी क्यूरीज जो थी, हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, कभी लेट हुआ कभी जल्दी हुआ, लेकिन हम लोग को सैटिस्फैक्ट्री रिप्लाई और रिस्पॉन्स मिला समय पे। कभी भी कॉल कर लो तो डाउट्स क्लियर हुई, क्योंकि कई क्वेश्चंस थे हमारे दिल और दिमाग में, बच्चों के भी कई थे, बट वो सैटिस्फैक्ट्री हमें टाइम टू टाइम मिलते गया, गाइडेंस हमें प्रॉपर मिलती गई, जिसकी वजह से हम अपने मतलब ऑल द प्रोसेस टाइम पे कंप्लीट कर पाए। एंड आई रियली आई एम सैटिस्फाइड विद द सर्विसेज एंड ऑल द ट्रस्ट दैट आई हैव बिल्ड इज रियली अप्रिशिएबल फ्रॉम द एक्सपर्टाइज। थैंक यू। आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि जैसे आप जामिया मिलिया में प्रोफेसर है, 15 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, और आपने बताया आपने BTech PhD किया IIT दिल्ली से किया और IIT से किया, राइट? जी IIT दिल्ली से, हाँ IIT दिल्ली से किया। तो मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि आपके हाईली क्वालिफाइड आप दोनों हैं, ठीक है, तो आपने बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया? जी जी
वो मैं जानना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सर कैसा है, फर्स्ट मैंने गूगल में सर्च किया और वर्ल्ड रैंकिंग वगैरह होता है, काफ़ी मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य भी है कि मैं कुछ चीज़ें मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि सवाल ये है कि मुझे बेटी को भेजना है और एजुकेशन भी कैसा हो कि इतना भी डल नहीं हो, अगर मीडियम से हाई मिल जाता है तो ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, स्पेशली मेरे बच्चों के लिए, वो बेटर फ्यूचर के लिए। तो मैंने काफ़ी मतलब क्या बोलते यूनिवर्सिटीज़ को मैंने चेक किया, गूगल पे किया, यूट्यूब पे किया, वहाँ के स्टूडेंट्स है उनका रिव्यू देखा मैंने और रैंकिंग्स देखी, फिर उसके बाद में मुझे लगा कि बशकीर और इसका फीस वगैरह तो ये हमने सब देखा और हमारी पॉसिबिलिटीज मतलब हम वहाँ तक खर्चा एक्सपेंड कर सकते या नहीं कर सकते। और दूसरा बात ये कि ये जो यूनिवर्सिटी थी, बाकी यूनिवर्सिटी में मैंने क्या देखा कि वो प्योरली मेडिकल की नहीं थी, कुछ यूनिवर्सिटी उसमें एमए बीए जो है इंजीनियरिंग था और प्लस मेडिकल था, बशकीर का वैसे नहीं है जो जहाँ तक मेरी समझ में है। मैं तो गया नहीं रशिया, जाऊँगा फ्यूचर में, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि ये मे बी 1932 का इसका इस्टेब्लिशमेंट है शायद, ठीक है, तो इतना साल ये मेडिकल का ही यूनिवर्सिटी है, तो इसमें पढ़ने के लिए और जो कुछ भी है जो एटमॉस्फेयर होगा वहाँ का स्पेशली रिलेटेड टू मेडिकल ही होगा, तो मुझे ये अच्छा लगा, तो ये प्लस पॉइंट था मेरे लिए। तो मेडिकल कॉलेज जी जी, और हमारे बजट में था तो इसलिए मैंने, और आप जैसे भी लोग मिले एक्सपर्टाइज जो हमें कैसे बताया, आपने भी बताया, तो हमने ये भी बता रहा हूँ हमने तुरंत बिलीव नहीं किया, मैं पहले सर्च किया हमने और उसके बाद में हमने ये डिसीजन लिया कि नहीं हम बशकीर को ही भेजेंगे। तो ये था सर की जर्नी, उन्होंने पूरा रिसर्च किया है, फिर एक्सपर्टीज को भी चूज किया है और बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी चूज किया है। हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि अभी तक हमारी जो सर्विस रही है आपको पसंद आई है और आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है, आगे भी ट्रस्ट रहेगा और हमारी सर्विस आपको ऐसी ही यहाँ पर जो मिली है वो भी आपको रशिया में भी मिलेगी, क्योंकि हमारा स्टाफ ऑलरेडी रशिया में अवेलेबल है और वी अश्योर दैट दे विल टेक केयर आपको पूरी आपकी बेटी को जो सर्विस जो चाहिए, एक स्टूडेंट्स को जो नया स्टूडेंट्स होता है उसको जो सर्विस चाहिए वो पूरी आपको मिलेगी, हम लोग अश्योर करते हैं ना। तो मैं आपकी बेटी को यशिता को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा और मेरी दिल से दुआ है कि वो एक अच्छी डॉक्टर बन के आए और आपके ड्रीम्स को और उसके ड्रीम को फुलफिल करे, है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।